आए हाय 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 हाय, काले काले बादल आ गए हैं जी। अब देखो ये बरसते भी हैं या नहीं, और इधर जो है ना भाई जामुन पक चुके हैं एंड लेवल तक, और अब ये होने लग गए हैं जी खराब। इनमें कीड़े पड़ने लग गए हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पक जाते हैं तो ख़राब होने लग जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो क्या करना होता है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। तो मौसम बहुत प्यारा हुआ खड़ा, फुल वो कहते हैं ना हैवी सीन हुआ खड़ा है। इधर से भी बादल, सारे बादल छा गए हैं, साया फुल है। 10 बजे हैं सुबह के अभी, तो जामुन जो ना हो रहे हैं ख़राब। बच्चों को भी हमने कहा है कि जो ऊपर चढ़ के तोड़ सकते हैं तोड़ लो, जो हम खुद तोड़ सकते थे वो हमने भी तोड़े। तो ये सीढ़ी कल लगा के मैं चढ़ने लगा हूँ, और वहाँ से ना अचानक से ऐसे स्लिप हो गई ना, ये मतलब ऐसे ऐसे करो ना, ये देख ऐसे हो जाती है। और मेरे ना एक बार वो कहते हैं ना एक इतना बचा हुआ था वो निकल गया है, फिर मैं उतर आया, मैं कि इससे अच्छा जामुन ना ही खाऊँ तो अच्छा। और बच्चे ऊपर चढ़ नहीं सकते, कोई पड़ोस से एक दो लड़कों को भी कहा था कि ऊपर चढ़ के ना तोड़ लो इससे पहले कि ये सारे ख़राब हो जाए, तो कोई चढ़ ही नहीं रहा, सब नीचे से ही उठा के चले जाते हैं। खैर, आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करनी थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, और इंस्टा पर भी मुझे काफ़ी DMs आए थे कि वसीम तुम्हारा आईब्रो ठीक हो रहा है, तो तुम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हो। अच्छा, मैं ना बड़ा हैरान हूँ कि सिर्फ मैं सोचता था कि मेरे साथ ये इशू है, लेकिन ये लोगों, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये इशू चल रहा है, उनके ना आईब्रो के बाल गिर रहे हैं। असल में ना गर्मियों में पसीना आता है, तो वो क्या कहते हैं, फंगस होती है, इंसानी फंगस होती है किस्म की, तो वो बालों को गिरा देती है। तो मेरा भी यही वाला सीन हुआ था, डॉक्टर ने मुझे बताया था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। मैंने बहुत केयर की है, बहुत ज़्यादा केयर की। तो सब पूछ रहे थे वसीम आप कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो, तो मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप करवाओ, वो जो सजेस्ट करे वो यूज़ करो, क्योंकि हर एक इंसान का हर एक स्किन डिफरेंट होती है, तो वो ना उसी हिसाब से वो मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी सब ने कहा कि वसीम बता दो आपने कौन सी यूज़ की कौन सी यूज़ की। तो मैंने कहा चलो आपको एक बार ना प्रॉपरली बता देता हूँ भाई, मैं अपनी अपनी वो कहते हैं ना अपनी ज़िम्मेदारी पे यूज़ करनी है, लेकिन मैं कहूँगा यही कि पहले डॉक्टर को चेकअप करवाओ, उसके बाद वो जो सजेस्ट करें वो यूज़ करें। तो मैं ना मेडिसिन सारी जो है ना छत पे ही लेके आ गया था। तो अभी सबसे पहले जो मैं यूज़ कर रहा था ना वो थी जी ये वाली, इधर ये है जी, क्या इसका नाम, हेयर पिन। 1 महीना मैंने यूज़ किए हैं, उसके बाद उसके साथ ये यूज़ कर रहा था मैं, ये लोशन है, अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पर यूज़ करना होता है क्लोबिड्रिम। और इसके साथ दूसरी जो मेडिसिन थी वो थी, कौन सी थी, फेरिक की ओर कह रहा हूँ, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया यार मुझे, विट ग्रो मेडिसिन थी, वो भी 1 महीना यूज़ करनी थी। ये हेयर फिन जो है ये भी 1 महीना यूज़ करनी थी, और इनके साथ सुबह शाम दो दो मेडिसिन खाता था, वो वाली उनको क्या कहते हैं, बैटनी सोल, दो सुबह दो शाम, तो ये यूज़ कर रहा था। उसके बाद फिर जब मतलब प्रोग्रेस जब शो होने लग गई, तो फिर 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर की तरफ गया, तो फिर डॉक्टर ने मुझे फिर से वही विटग्रो 1 महीने के लिए और दी, और साथ में उन्होंने एक मेडिसिन चेंज करके ये मुझे दी, ये वाली देख ले, डिसमेड कहते हैं, ये डिसमेड जो भी है, कल देख लें ये इस तरह का कुछ नेम, इसका आप खुद ही पढ़ लें, सही से पढ़ लें। और साथ में मुझे एक लोशन दिया था क्लोबिड्रिम को चेंज करके, ये बीटा सालिक, तो ये यूज़ कर रहा था मैं, और ये 2 महीने मैंने यूज़ किए हैं। अभी ये वाला मेरा 2 महीना जो है ना प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, 2 महीनों के बाद फिर चेकअप करवाऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आईब्रो ना आलमोस्ट आधे से ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आप लोग अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं कर बल्कि ना करो, डॉक्टर को पहले चेकअप करवाओ, और ये मेडिसिन भी अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर को चेक करवा के उनसे पूछ के यूज़ कर सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत नहीं लग जाना मसला भी हो सकता है। अच्छा गाइस, अभी जो है ना बस नहा धो के हो गया मुझे रेडी, और इधर भाई मुनव्वर भी आ गए हैं नहा धो के, अम्मा भी रेडी खड़ी हैं, बस ताकत वो उधर बैठे हमेशा की तरह, उसके कमीज़ है ही नहीं, वो वेला ही है। तो सीन कुछ यूँ हुआ कि आपने कल ये वीडियो बनाने के ना दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो पहला था मेडिसिन का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, रात को ना मुझे ख्वाब आया कि नहीं का नहीं कि वसीम तुम आईब्रो के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हो, हमें भी बताओ। तो मैंने कहा आज बताता हूँ, वैसे भी कमेंट्स भी आते थे इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज वगैरह आए थे कि ना आईब्रो में हमारा तो आपने अच्छी तरह निकाला आ रहे हैं ना, तो पूछा था कि मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हो, तो मैंने कहा चलो आज ना शायद कोई किसी का मसला मेरी वजह से सॉल्व हो जाए, तो मैंने ना सही से बताया कि ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो वीडियो बनाने की थी वो ये थी कि भाई हमारा जो है ना ट्रिप नारायण का गान का, हम घूम के आ गए हैं,
मैं अपने व्यूअर को बता दूं कि बहुत ही मजा आया, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। मैंने ये देख के ना, ये नारायण का गान वाले बादल, ये मौसम ठंडी ठंडी हवाएं, ये नारायण का गान में ही होती है ना। अच्छा मजाक की बातें होगी, बहुत हमारा जो टूर है ना वो हो गया जी कैंसिल। शायद हमारी किस्मत में नहीं था इस बार टूर पर जाना, और शायद यही हमारे हक में भी बेहतरी हो, क्योंकि ना अभी मैंने न्यूज देखी है तो वो कह रहे हैं कि वहां पे होने लग गए हैं जी बारिशें, और बारिशों वाले कमेंट्स भी आए, उन्होंने कहा कि आप सफर पे ना जाएं, उधर बारिशें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। और भाई हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो कहते हैं बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन वहाँ पे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। तो पिछली बार हमारे ना बड़े अम्मा से पूछे अम्मा इतनी परेशान थी ना, जब हमारी गाड़ी का टायर खराब हुआ था और ऊपर से बारिश हो रही थी और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी। खैर ये बातें तो की, बहुत हमारा टूर हो गया जी कैंसिल। उसकी रीजन ये बनी है कि ड्राइवर भाई जो है ना उनके घर में कोई इशू था शायद, पता नहीं, वो कह रहे थे कि ना एक हमारे साथ और मेंबर भी था जिसने हमारे साथ जाना था और उनके घर में कोई डेथ हो गई थी किसी की, उनके रिलेटिव्स वगैरह की, तो इस वजह से ना उनको अपना टूर करना पड़ा जी कुछ दिन के लिए कैंसिल। तो भाई मुनव्वर की पहले ही नीयत साफ नहीं थी जाने की, परेशान थे, परेशान थे, तो वो फिर टूर, वो कहते हैं ना जैसी नीयत वैसी मुराद, ये तो कहावत बनी हुई है ना। तो टूर हमारा हो गया जी कैंसिल। तो फिलहाल वो जो बैग पैक किए थे लाहौर के लिए पहले किए थे, फिर जी लाहौर से कन्वर्ट होके नॉर्दर्न एरियाज के लिए पैक हो गया, अब फिर नॉर्दर्न एरिया से ना मेरा तो लाहौर के लिए पैक होने वाला है, बाकी का पता नहीं। तो टूर जाना फिलहाल कैंसिल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना अब हम प्लान करेंगे, लेकिन इस बार ना कोई इस तरह से प्लान करेंगे सारे जाएं, हम सब जाएं सारे घर को बेच के ना, मैंने नहीं जाना इधर ही नारायण का बना हुआ। वैसे आज मौसम शायद अल्लाह ताला ने वो कहते हैं ना उसका अजर यहाँ देने लग गया, फुल बादल आ गए काले काले और ठंडी ठंडी ना हवा चलने लगी है, बस भी खत्म हो गई है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप ये ना सोचें कि आज एक और ब्लॉग है और वो घर में बना हुआ, और वसीम को कह, वसीम तो कह रहा था कि नारायण का गान पहुंचे हैं। वैसे इस बार नारायण का गान हम नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे सावात कलाम मालम जब्बा पता नहीं आगे वो चित्राल वाली साइड पे आगे हमारा जाने का प्लान था, लेकिन फिलहाल के लिए कैंसिल जो है ना, वो कहते हैं प्लान जो है ना डिसमिस हो गया, इंशाल्लाह फिर जल्दी बनाएंगे, गाड़ी वाले भाई जो है ना ड्राइवर भाई का मसला सॉल्व हो जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये ना सोचते रहे कि वसीम तो नारायण का गान पहुंचा हुआ है सवात, वो क्या कहते हैं मालम जब्बा घूम रहा है, घर में ही मालम जब्बा बनाई गई। सदाकत भी आ गया जिसने वीडियो में शिरकत करनी थी, चलो शर्ट पहन के आ गया। तेरी शर्टें क्या मसला क्या है तुझे, कौन सी इतनी वो कहते हैं शदीद वाली गर्मी लगी होती है, आज तो मौसम भी अच्छा है। असल में ना इसको आदत पड़ गई है ना शर्ट के बगैर घूमने की, जैसे बच्चे घूमते हैं ना, बच्चों ना स्कूल खुल गया ना, फिर ये ना हेलमेट में और तो पता नहीं क्या क्या लपेट के फिर रहा होगा। कब स्कूल खुलने हैं, 14 अगस्त को खुलने हैं या यकम से? यकम से पहले 14 अगस्त को खुलते थे, इस बार मतलब जल्दी खुलने वाले हैं। चलो कोई नहीं, बहुत छुट्टियां याशी कर ली है, बहुत 3 महीने किसी डिपार्टमेंट को छुट्टियां नहीं मिलती टीचर्स के अलावा, दो महीने चलो फिर टीचर सिर्फ ये मतलब ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी छुट्टियां मिलती है, अदरवाइज किसी डिपार्टमेंट में छुट्टियां नहीं, हमें भी नहीं मिलती थी यूनिवर्सिटी में, 2-3 सिर्फ होती थी और वो बस रास्ते में गुजर जाती थी। अभी जो है ना अम्मा बनाने लगी हैं मेरे जो तकिया है ना इसका कवर, और ये हम लेके आए थे जी वो क्या कहते हैं, जब सदाकत के आपने वीडियो अगर देखी है तो पता होगा आपको, बड़े सिंधी स्टाइल में ना चादरें भी थी और ये तकिए का कवर भी है, देख लें बिल्कुल पूरा फ्रेम बड़ा प्यारा लग रहा है, है ना खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं अब नरम है या नहीं ये मुझे नहीं पता, सॉफ्ट सॉफ्ट है ये, क्योंकि ना सोने वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो सिल्की सिल्की मज़े कराती हैं, पहले वाला ये था, ये भी सही था लेकिन इसके ऊपर कढ़ाई थी तो ये ना बड़ी मुंह पे लगती थी, लेकिन ये जो है ना अच्छा कवर, तो अभी अम्मा इसकी सिलाई करके ये मेरे तकिए पे चढ़ाने वाली हैं। और अब अम्मा क्या करें, हम फिर लाहौर चलते हैं, मेरा तो लाहौर का प्लान भी कैंसिल हो गया। जुरेज से भी मिल लाएंगे, जुरेज को भी, शावेज सॉरी शावेज को भी मिल लाएंगे, और मौसम भी सुना है वहाँ बड़ा ठंडा है, अब तो भाई लाकर ने यूपीएस भी लगवा लिया तो गर्मी भी नहीं होगी, भाई लियाकत से पूछ लें, मैं तो कहता हूँ सरप्राइज देंगे उनको, यहाँ से चुप करके चले जाएंगे, वहाँ जाके अचानक दरवाजे पे अम्मा पहुँची हुई होंगी, वसीम पहुँचा हुआ होगा। तो प्लान बनाते हैं और पूछना चाहिए कि क्यों क्यों नौकरी वाला बंदा कोई टूर, हाँ ये भी है भाई लियाकत के अक्सर ना टूर होते रहते हैं क्योंकि ना कोई साइट्स विजिट करनी होती हैं तो पूछ लेना चाहिए, तो पूछ लेंगे, बाकी फिर वहाँ यहाँ से कुछ सामान वगैरह भी तो लेके जाना पड़ता है ना उनके लिए, दूध मक्खन ये अम्मा ना लेके जाएँ तो अम्मा को आराम ही नहीं आता, तो फिलहाल तो हम कमर बढ़ा लिए हैं, इंशाल्लाह प्लान भाई फिलहाल के लिए कैंसिल हुआ है। सच बताऊं तो उन्होंने थोड़े से हमें गोली भी करवाई है, हमारा मतलब बिल्कुल प्लान अभी था ही नहीं जाने का, उन्होंने खुद कॉल करके कहा था कि हम जा रहे हैं तो आप भी प्लान बना रहे हो हमारे साथ आ जाओ,
लेकिन जब हमारा प्लान बन गया तो उन्होंने गोली करवा दी है। तो खैर फिलहाल की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा व्लॉग आपके लिए बनाया मैंने, कैसा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ स्पेशली वो मेडिसिन वाली ख्वाब देखा है और दूसरा ये आपको टूर की कैंसिलेशन का भी बता दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टल नेक्स्ट वीडियो में ढेर सा ख्याल रखिए, दो में याद रखिए। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। तो बस अभी नया व्लॉग शुरू करेंगे उसमें आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।